इस गुलरिया गांव से एक ऐसा कलजुगी पत्नी की कहानी मैं बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर के शायद आपका भी कलेजा फट जाएगा और आप दंग रह जाएंगे। बाबू हमें टीवी पर काल गलती तरह गिर गई है पर काट डाल वह बच्चा कुमार के हद साल नोटी काट दिया था। अच्छा क्या सच्चाई बचा थी घटना के? सच्चाई बजे पति पत्नी सर एक में घर में सुता सो रहा है घर में सच छत पर कैसे चल गया मेरा लड़का छत पर कैसे चल गया बिछावना कैसे हो गया गुदरा बिछा दिया जाजिम बिछा दिया तकिया लगा दिया उस पर लड़का का सुता भी दिया उसको ओढ़ना भी ओढ़ा दिया लड़का का गला कट गया रात भर में पत्नी नहीं जानती है जो हमारा शहर कहाँ गया कहाँ नहीं गया उसको पकड़े हैं हम वो चार बार इधर यहाँ से लड़कियों भाग गई है उसका कॉन्टेक्ट उसका नैहर से है यहाँ से नहीं है वो ऐसा आदमी है तो उसका चेहरा भी अच्छा नहीं है मैंने बाल हरदम हिपी काटी रखती है ठीक है सही बात है हम देखे हैं उधर हम देखे हैं। अच्छा अच्छा आपकी जो बहू थी वो ठीक ठाक से घर में नहीं रहती थी? नहीं ठीक से नहीं रहती। अच्छा चाल चलन भी उसका अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा था। अच्छा आपके दोनों बहू को पुलिस उठा करके ले गई है पुलिस तो शक है कि हत्या में यही सब लोग शामिल है आपका क्या शक है चाचा? शक है अपने पतों पे ही शक है कि वही घटना करवाई दूसरा कौन ढूंढेगा। इस गुलरिया गाँव से एक ऐसा कलजुगी पत्नी की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिसे सुन करके शायद आपका भी कलेजा फट जाएगा और आप दंग रह जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों से हुआ लेकिन इस प्रकार दोनों बहन ने मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया जिसका तस्वीर देख करके शायद आपका भी मन विचलित हो जाएगा। हालांकि प्रशासन दोनों बहनों को कल से ही उठा करके थाने में ले गई और लाख डंडे खाने के बाद भी दोनों ने अभी तक ये मुंह नहीं खोला इस घटना की क्या सच्चाई है। जरा सोचिए जब एक पत्नी के साथ उसका पति सो जाता और पति रात भर के लिए गायब हो जाता है और छत पे पति का गर्दन रेत करके हत्या भी कर दिया जाता लेकिन एक पत्नी को पता नहीं लगता और सुबह उठने के बाद अपने पत्नी को खोजने की बजाय वो बाहर घूमने चली जाती है तो इसे साफ तौर पे जाहिर होता है कि उस कलजुगी पत्नी ने अपने पति का हत्या करवा दिया। क्या चाचा सच्चाई है इस बात में? अच्छा क्या सच्चाई बचा थी घटना के? सच्चाई बजे पति पत्नी सर एक में घर में सुता सो रहा है घर में सर छत पर कैसे चल गया मेरा लड़का छत पर कैसे चल गया बिछावना कैसे हो गया गुदरा बिछा दिया जाजिम बिछा दिया तकिया लगा दिया उस पर लड़का का सुता भी दिया उसको ओढ़ना भी ओढ़ा दिया लड़का का गला कट गया रात भर में पत्नी नहीं जानती है जो हमारा शहर कहाँ गया कहाँ नहीं गया। यानी कि जब पति गायब हुआ होगा पत्नी के पास से तो जरूर रात में तो नींद एक दो बार खोलता ही खुलता है टूटता है जो हमारा पति कहाँ है ढूंढ नहीं रही थी। सवेर का टाइम मैंने हमारा इसको बगल में घर ससुराल तो वहाँ भी हाला हुआ तो हम लोग वहाँ यहाँ से पहुँचा तो नेपाली गाड़ी यहाँ दू गो आके ला गया सुबह में लड़की के ले जाने के लिए सर वहाँ पर चढ़े हम तो वहाँ पर गिर गया हमारा गांव जवार के लोग उठा के ले आया अफसर भी गिर गया उसको उठा के लेकर गाड़ी में बैठा दिया रोशन भयंकर मनिया जी मैंने बहुत भयानक तरीके से गला रेत के खसी बकरी की तरह मार दिया गया। जो औरत रही है वो सही से घर में ना रहत रही है का ना रहत रही है सही ना से मैंने कहीं ना कहीं जो हत्या भइल वो में देसा बा के ओकर हाथ हुई जरूर एकदम हाथ बा अब भले वो मरले ओके तब जाके उसे मरवा ले मरवा हो को तो माने हम लोग का तो शक स्वभाव है जो उसी भी हाथ काम है। बाकी ये चाचा हैं चाचा आप उस मृतक लड़का के चाचा हैं? अच्छा चाचा क्या बताइए घटना के बारे में बहुत दर्दनाक हुआ बताइए चाचा। हमी के घटना के बाद में अकरा मुए के पहले हल्ला के पहले वहां के नेपाल के गाड़ी आके लागो रहे हां यदि लड़की बाहर गई रही तो लेकर भागो रही तो कई बाजार ना हुई खत्म हो जाए सब का बोली नहीं जी जी ये मेरा ओकर लड़की यदि है छत पर मर रही तो अब लेकर घर द्वार नेपाल के टांग के ले गए बिल्कुल बोले तो तक ना इनका तो कोई बोली हार नहीं खे बुरबा के सादा सादी साहब चपा और ये लोग भी सही तरीका से बात बतावत नहीं खे ना ना हां ई अभी निचंदार बतावत नहीं खे तो एकरा पर हमरा के हम बोलल बानी जी ए चलाई गो के कहा रख ले बड़ी बेटा पतो के ना ता हटाबो ए बरे तो बेटा खा गई कु दिन लोग फिर वो बेटवा के खा गई बताइए भैया बताइए देखिए हां बताइए मैंने एक साल से वो लड़की अपना माँ के पास थी एक साल से अपना लड़की उसका माँ के पास थी उसके बाद में छठ के बाद में आई उस लड़का से नहीं बोली है उसके साथ में नहीं खाई है ना सोई है उसको पकड़े हैं हम वो चार बार इधर यहाँ से लड़कियों भाग गई है उसका कॉन्टेक्ट उसका नैहर से है यहाँ से नहीं है इसका वही पे कुछ मतलब हाँ वही पे है हाँ वो ऐसा आदमी है तो उसका चेहरा भी अच्छा नहीं है मैंने बाल हरदम हिपी काटी रखती है ठीक है सही बात है हम देखते हैं उधर एक बार इस चाचा का चेहरा देखिए किस प्रकार से इनका हंसता खेलता जो चेहरा है
आज उड़ सा गया है। चाचा आपका बेटा जो छीना गया वो तो वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा चाचा। रोइए नहीं चाचा, रोइए नहीं, धीरज धरिए। हम सभी लोग आपके लिए लगे हुए हैं, जहां तक होगा इंसाफ होगा और जो भी इस घटना को अंजाम दिया जरूर पकड़ा के जाएगा। लेकिन घटना का सच्चाई क्या है बाबू? नोटी काट दिया था। हाँ। अच्छा चाचा, आपकी जो बहू थी वो ठीक ठाक से घर में नहीं रहती थी क्या? नहीं, ठीक से नहीं रहती थी। ठीक से नहीं रहती थी। अच्छा क्या सका चाचा, पुलिस तो आपके बहू को उठा के ले गई है, दोनों बहू को उठा के ले गई है। साल भर पर आया है, साल भर पर वहाँ से ही है। अच्छा चाल चलन भी उसका अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा था। अच्छा आपके दोनों बहू को पुलिस उठा करके ले गई है, पुलिस तो शक है कि हत्या में यही सब लोग शामिल है। आपका क्या शक है चाचा? शक है, शक है अपने पतों पे ही शक है कि वही घटना करवाई होगी। दूसरा कौन ढूंढेगा? गेट बंद है, गेट बंद है। जब जब आपका बेटा सोया था तो अपने परिवार के लोगों के साथ ही सोया होगा, तो फिर रात भर में खोजा क्यों नहीं? खोजा क्यों नहीं कि हमारे पति कहाँ गए? हाँ, गया। और साफ तौर पर इस मामला में जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य है उसको मैं दिखा रहा था। जरा सोचिए, ठंडा का समय है, इस समय तो कोई छत पे सोएगा नहीं? सोएगा चाचा छत पे? नहीं सोएगा। लेकिन प्री प्लानिंग है, सारी बातें लगती है, ऐसे लगता है जैसे उसको किसी प्रकार से उसकी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा साजिश है। और प्री प्लानिंग करके बाहर के लोगों को बुलाया गया होगा तब, और नहीं तो अपने से काट दिया गया होगा तब। लेकिन हत्या बहुत बेरहम तरीके से किया गया। बाकी यहां से ही रिपोर्ट मैं दिखा रहा था, आगे मामले में प्रशासन क्या कुछ खुलासा करती है, क्या कुछ रिपोर्ट आता है, उसके भी जानकारी बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यही निर्मम हत्या की अजूबा कहानी दिखाते हुए गुलरिया गाँव से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।